Hello everyone, if you see me for the first time, then hi, I am Shilpraja and welcome to my channel. So before getting into the video, I just want to thank all my subscribers for all your love and support. थैंक यू कि आपने मेरी यमी टमी की रेसिपीज ट्राई किए, आपने अपने फैमिली के साथ विस्पर चैलेंज किया, आपने मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन ट्राई किया. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव. तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन का वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी सारे DMs एंड टेक्स्ट आए रिगार्डिंग फेस हाइजीन. और ये टेक्स्ट एंड DMs सिर्फ गर्ल्स ने नहीं बट काफ़ी सारे बॉयज़ ने भी किए. अगर अभी तक आपने मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहाँ ऊपर मेंशन कर दूँगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखना. तो आपने मुझे जितने भी क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग फेस आइसिंग, जैसे कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू फेस आइसिंग, हाउ शुड आई डू फेस आइसिंग, व्हेन शुड आई डू इट, क्या इससे पिंपल्स एंड एक्ने खत्म हो जाता है, आई डोंट हैव टाइम सो कैन आई डू इट वंस इन अ वीक, क्या इससे स्किन रफ होती है. सो आज इस वीडियो में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे. एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट्स टू नो द एग्जैक्ट आईज आई यूज फॉर द फेस आइसिंग देन आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. व्हाट? आई नो आई एम किडिंग, आई जस्ट गॉट इट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर. ट्राइंग टू बी फनी यू नो. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम let's get started. So face icing is something which will make you look half of your age. What? I'm serious, I'm not kidding. Yes, I am serious. Face icing se kaafi sare skin problems solve ho jate hain. Babe, ice cube lene ke liye mat bhago, pura video dekho, samjho aur fir use try karo. Yes, chaliye aage badhte hain. तो सबसे पहले फेस आइसिंग की बात करते हैं. सो ऑल यू नीड इज आइस 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 एंड आइस. फेस आइसिंग आपको सिर्फ क्लीन फेस पे ही करना है, आपको फेस वॉश करना है और उसके बाद ही फेस आइसिंग करना है. अगर आप स्टार्टिंग में आइस क्यूब को अपने हाथ में ज़्यादा टाइम तक नहीं पकड़ सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको टूथपिक से भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो. बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज यहाँ से फिर देर इज़ अ चांस कि आप खुद को हर्ट कर सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक क्लीन कपड़े में ऐसे आइस को रख के फिर आप उसको रब की, या फिर आप प्लास्टिक बैग यूज़ कर सकते हो. सो अभी मुझे तो काफ़ी टाइम से आदत हो गई है, सो आई कैन डायरेक्टली मतलब मैं अपने हाथ से ही ऐसे कर सकते हो. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपने पूछा था कि फेस को आइस मसाज करने से क्या होता है. सो मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, बट आइस अप्लाई करने से आपका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोल्ड. सो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है एंड योर बॉडी ट्राइज टू बैलेंस इट आउट एंड सर्कुलेट मोर ब्लड टू योर फेस. रिजल्ट के तौर पे आपका जो फेस है वो काफ़ी स्मूद एंड ग्लोई हो जाता है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो When and how to do face icing. So आपको क्या करना है, इवनिंग या फिर मॉर्निंग में आपको अच्छे से आपका फेस वॉश करना है एंड देन यू हैव टू टेक आइस क्यूब और आपको ऐसे उसको मसाज करना है अच्छे से. आप इसे 1 week तक ट्राई कीजिए, आपको 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देगा. अब देख सकते हो मेरे स्किन पे कोई भी पिंपल नहीं है फिलहाल, मेरी स्किन काफ़ी क्लियर है. सो यस, आप 1 हफ्ते के लिए रोज़ इसको ट्राई कीजिए दिन में 1 बार. इससे क्या होता है कि आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है. अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको शाम को कर सकते हो सोने से पहले, जब आपका नाइट स्किन केयर रूटीन करते हो तब इसे तब अप्लाई कर सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इससे पिंपल्स एंड एक्ने कम हो जाते हैं. सो आपके एक्ने प्रॉब्लम्स को अटैक करने के लिए आइस थेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो जब आप फेस आइसिंग करते हो तो इससे ऑयल भी कम हो जाता है जिससे आपका पिंपल्स आना भी बंद हो जाता है. सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था यू विल लुक हाफ ऑफ योर एज. सो फेस आइसिंग से आपके रिंकल्स कम हो जाते हैं और आपकी स्किन भी काफ़ी टाइट हो जाती है और फेस आइसिंग प्री मेच्योर एजिंग को भी टाटा बाय बाय कर देती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इससे स्किन रफ होती है. यस,
फेस आइसिंग से स्किन रफ होती है, इसके लिए आपको क्या करना है, फेस आइसिंग के तुरंत बाद आपको आपको कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर हो उसको आपकी स्किन पे आपको अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन रफ नहीं होगी। तो अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। सो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो फेस आइसिंग को मैं वंस इन अ वीक ट्राई कर सकती हूँ। तो यस, आप ट्राई कर सकते हो, बट जैसे अभी मैंने दिखाया कि आपको एक आइस क्यूब लेना है और उससे अच्छे से ऐसे मसाज करना है, तो नहीं, ऐसे नहीं करना है। सो उसके लिए आपको क्या करना है इज़ टू टेक अ बाउल। आपको ऐसा कोई भी बाउल लेना है, ऐसा बाउल लेना है जैसे आपका फेस पूरा इसमें डिप हो जाए। फिर इसमें आपको पानी ऐड करना है, नॉर्मल पानी। देख सकते हो मैंने इसमें इतना पानी लिया है और अभी मैं इसमें आइस क्यूब्स ऐड करूँगी। सो मैंने यहाँ पे 7 से 8 आइस क्यूब्स लिए हैं, तो मैं ये सारे आइस क्यूब्स इसमें ऐड कर दूँगी। सो विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, अच्छे से पानी को ठंडा होने देते हैं। सो इस तरीके से मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड किए, आप देख सकते हो। सो अभी पानी ठंडा हो गया। सो अगर आपको ये हफ्ते में एक ही बार करना है तभी ये ट्रिक आप यूज़ करना, अगर रोज़ करना है तो आप एक आइस क्यूब बस है, वरना आपकी स्किन काफ़ी रफ हो जाएगी। सो अभी आपको आपका फेस इसमें डिप करना है जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। आपको एक 30 सेकेंड्स के लिए यह करना है, इसको एक दो बार रिपीट कर सकते हो। इतना ठंडा, इतना अच्छा फील होता है, ट्रस्ट मी, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। सो इस टेक्निक के बाद भी आपको आपकी फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लिया है, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय फेस। अगर आप लोगों को डार्क सर्कल्स है तो फेस आइसिंग से डार्क सर्कल्स भी कम हो। फेस आइसिंग से, जैसे मैंने पहले ही बोला था, काफ़ी स्किन केयर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। सो आई होप दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज। सो ऑल गर्ल्स, बॉयज, अंकल, आंटीज, एवरी वन कैन डू फेस आइसिंग। अगर आपको आपकी स्किन क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए, तो प्लीज़ आप इसको दिन में एक बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं तो जैसे मैंने अभी दिखाया, हफ्ते में एक बार तो आप टाइम निकाल ही सकते हो। सो मैं काफ़ी डिफरेंट स्टाइल की भी आइस क्यूब्स यूज़ करती हूँ। अगर आपको जानना है कि वो क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बनाऊँगी। सो ये आइस थेरेपी आप 1 वीक के लिए ज़रूर ट्राई करना। सो 1 वीक के बाद आपका फोटो आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट करना और मुझे टैग करना। अगर आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं पता है, लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं ट्राई करूँगी कि आपके फ़ोटोज़ मैं रीपोस्ट करूँ। सो यस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आज का आपको वीडियो कैसा लगा। सो टिल देन, बाय बाय एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।